दोस्तों, आज मैं आपको मटन करी बनाने का आसान और इजी तरीका बताने वाला हूँ। इस तरीके से आपने मटन करी बनाए तो खाने के बाद हर कोई आपका तारीफ करेगा। आप एक बार मेरे तरह मटन करी जरूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल पर आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम बनाते हैं टेस्टी टेस्टी मटन करी एकदम आसान तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 किलो मटन ले लिया, इसे मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए पहले मसालों को तैयार कर लेंगे, इसलिए मटन को साइड में रख देता हूँ। मैंने 1.5 किलो मटन के लिए यहाँ पे 6 मीडियम साइज का प्याज ले लिया, इसे स्लाइस करके काट लेंगे। स्लाइस तो कर लेता हूँ, बट ये स्टेप करना बहुत ही जरूरी है। प्याज को ऐसे क्रश कर लेना है, क्योंकि क्रश करने से तेल में पकाने का टाइम स्टार्ट करना आसानी होगी। अब मैं 2 टमाटर ले लिया, इसे कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, आप छोटा मोटा जो भी करके कटिंग कर लीजिए, क्योंकि इसे पेस्ट बनाना है। और 7 से 8 हरा मिर्च ले लिया, इसे चीरा लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने ढेर सारे अदरक लहसुन ले लिया, इसे मिक्सिंग जार में डाल के फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए, अच्छे से पेस्ट बना लिया, तो चलता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। मैंने मटन को ऐसे पीस बना लिया, आप चाहो तो छोटा या बड़ा पीस बना लीजिए। तो मैरिनेट करने के लिए इसका ऊपर डाल देता हूँ 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सरसों की तेल, और जो अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था वो भी डाल देता हूँ। और डाल देंगे 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर। दोस्तों, आपको जितना तीखा पसंद है उसी के हिसाब से मिर्च पाउडर डालना है। आप डालना है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और डाल देंगे 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर। अब मटन को सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, आप चाहो तो मैरिनेट करने का टाइम थोड़ा दही और गरम मसाला भी डाल सकते हो। देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया, तो अब मैं ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट मैरिनेट होने के लिए रख देता हूँ। चलता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। गैस का फ्लेम ऑन करके 1 टोप बैठा दिया। अब मैं डाल देता हूँ सरसों की तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया, धुआं आने लग गया, तो अब मैं डाल देंगे खड़ा मसाला। खड़ा मसाला में लिया था 4 से 5 इलायच, 2 दालचीनी टुकड़ा, 2 तेजपत्ता, 7-8 लौंग और 8-10 काली मिर्च, और डाल देंगे चीरा लगा के रखा हरा मिर्च। एक खड़ा मसालों को अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करने से एक बहुत ही सुंदर खुशबू आएगा। देखिए, खड़ा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं डाल देंगे काट के रखा हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं डाल देंगे मैरिनेट करके रखा हुआ मटन। दोस्तों, इस तरह मटन बनाए तो मटन बनाने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि मसाला और मटन को अलग अलग नहीं भुनना पड़ेगा, एक ही साथ भुनाई हो जाएगा, और भूनते टाइम प्याज भी अच्छे से गल जाएगा। देखिए, अभी कलर कितना बढ़िया आने लग गया। अब मैं डाल देंगे 2 लहसुन। ऐसे लहसुन डालने से मटन का टेस्ट और भी बढ़ जाता। दोस्तों, आपको लहसुन डालना पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। तो अब मैं डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद डाल देंगे थोड़ा नमक। आप तो जानते ही है, टमाटर डालने के बाद नमक डालना कितना जरूरी है, इसलिए थोड़ा नमक डाल दिया। अब मैं ढक्कन लगा के 20 से 25 मिनट तक भून लेंगे। देखिए, मटन से अच्छे से पानी छोड़ने लग गया। मटन को तब तक भूनना है जब तक ये पानी फिर से मटन के अंदर चला ना जाएगा। फिर से ढक्कन लगा के भून लेंगे। देखिए, मटन को भूनते टाइम जो पानी निकला था वो भी एकदम सूख गया। दोस्तों, आप चाहो तो इस स्टेप में मटन को कुकर में डाल के 3 से 4 व्हिसल देकर कुक कर सकते हो। मेरे पास बड़ा कुकर नहीं है, इसलिए इस स्टोव में ही कुक कर लूंगी। तो अब इसमें पानी डालना है। मैं तो नॉर्मल पानी डालता हूँ, आप चाहो तो गर्म पानी भी डाल सकते हो। पानी को मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 30 मिनट ढक्कन लगा के कुक कर लेना है। ग्रेवी में नमक थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए स्वाद अनुसार नमक डाल देता हूँ। तो अब ढक्कन लगा के कुक कर लेंगे। देखिए दोस्तों, 20 मिनट मटन को कुक करने के बाद मटन का चर्बी डाल देता हूँ। मटन का चर्बी अभी डालना है, क्योंकि पहले चर्बी डाल दिया तो चर्बी गल जाएगी और मटन में बहुत ज्यादा तेल हो जाएगी। और एक बार ढक्कन लगा के 10 मिनट्स कुक कर लूंगी। देखिए, मटन अच्छे से कुक हो गया, तो इसका ऊपर थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया मटन करी बन के तैयार हो गया, और कलर भी कितना बढ़िया आया।
दोस्तों एक बार ऐसे मटन करी बनाए तो दूसरा तरीके से मटन करी बनाने का मन नहीं करेंगे। दोस्तों मेरा ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सभी स्वस्थ रहे। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।